हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बसंत ऋतु में खिलने वाले कुछ ऐसे फूलों के बारे में जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, जैसे कि पेपर फ्लावर, नस्ट्रीशियम, कैंडीडेफ्ट और वूली सनफ्लावर। ऐसे और भी कई पौधे हैं, तो कैटेगरी वन में हम पहले रखते हैं ऐसे फूलों और पौधों को जो कि सीड और कटिंग से तैयार होते हैं, जिनका सोइंग टाइम अक्टूबर है। और दोस्तों, इसकी जो तैयार सीडलिंग्स होती है, 25 दिन के बाद सोइंग इसकी कर दी जाती है, लगा दी जाती है। फ्लावरिंग जो होती है 2 महीने के बाद इनकी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ये बहुत ही कम कोल्ड को लाइक करते हैं, यानी कि हल्का गर्मी का सीजन लाइक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिविंगस्टोन डेंजी की। ये फूल दिखने में बड़ा ही खूबसूरत होता है। आप देखेंगे कि ये जो फूल है, ये हम जब नीचे ज़मीन में लगाते हैं, ये सीड के द्वारा लगाया जाता है। शुरुआती दौर में ही इसके बीजों की बुनाई कर दी जाती है, फिर जब इसकी सीडलिंग्स तैयार हो जाती है तो उस सीडलिंग्स की हम रोपाई दूसरी जगह जहाँ भी हमारी इच्छा होगी वहाँ हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम गमले में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। आप देखिए फूल कितना आकर्षक है, बाहर की तरफ में लाइट पिंक और बीच में वाइट कलर और बिल्कुल सेंटर में रेड कलर के सीड्स का पार्ट होता है, तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत तो लगता है। और सबसे बड़ी खासियत इस फूल की ये है कि अगर जहाँ भी हमें कहीं क्यारी में इसकी हमारी क्यारी खाली हो, क्यारियों में इसकी रोपाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। ये बस 10 से 12 इंच की ही लंबाई में ऊंचा उठता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ फैलता रहता है और फूल इसमें खिलते रहते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर आपको कहीं अपनी बेड या क्यारी वगैरह में फूल लगाना है और आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से खिले रहे, तो आप इस फूल को लगा सकते हैं, इसका चयन कर सकते हैं। अगला फूल नंबर 2 पे हम बात करते हैं एक ऐसे फूल के बारे में जिसको कहते हैं क्लोबेन लिप डॉट फ्लैक्स। ये थोड़ा सा टिपिकल, नाम तो टिपिकल है बट फूल बेहद खूबसूरत है। छोटे छोटे फूल होते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हो। आप देखिए कि इसमें कई तरीके के कलर होते हैं। हम जिस कलर को देख रहे हैं, ये लाइट पिंक, हल्का सा येलो और वाइट कॉम्बिनेशंस है। ये देखिए बैगनी और वाइट का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो फूल होते हैं, ये दिखने में बिल्कुल जैसे ज्वार बाजरा के जब हम भूनते हैं तो इसी तरीके के उसमें फूल जैसे हो जाते हैं, वैसे ही बिल्कुल इसमें है। देखिए वाइट कलर का भी होता है। पत्तियाँ इसकी पतली और शार्प होती हैं और ये बीज के द्वारा तैयार किया जाता है। सितंबर अक्टूबर महीने में इसको क्यारी में बीज को बुना जाता है, फिर इसके बीजों से जो पौध तैयार होती है उसकी रोपाई की जाती है। ये देखिए रेड कलर का है जिसके बीच में येलो कलर है। तो इस तरीके से कई रंगों में ये पाया जाता है। बैंगनी कलर का भी होता है, गुलाबी कलर में होता है, पीले कलर का होता है। ये गुलाबी कलर का है। हमने यहाँ पर मिक्स कलर बुन रखे हैं, सारे कलर का मिक्सिंग किया हुआ हमने इस क्यारी में बुना, तो आप देख पा रहे होंगे ये लगभग सभी कलर का है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत फ्लावर है, इसको आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अगले फूल की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर हम रखते हैं स्वीट सुल्तान, जिसको इसका बहुत ही अच्छा फूल होता है। आप देखिए सबसे बड़ा ये 2 तरीके का होता है, एक तो सफ़ेद रंग का और गुलाबी कलर का। ये सफ़ेद रंग का है स्वीट सुल्तान और ये मधुमक्खियों और मक्खियों के लिए, यहाँ तक ये भंवरे के लिए भी ये फूल बड़ा लाइकिंग का होता है। इससे वो अपना पराग एकत्रित करते हैं और क्योंकि इसका पराग उन्हें इन कीटकों को अच्छा लगता है, तो आप इस तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं या शहद तैयार करते हैं तो आप इस फूल को लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मधुमक्खी काफ़ी आती है। देखिए गुलाबी कलर का है, दिखने में थोड़ा बैंगनी कलर का लगेगा। ये इसकी बंद कली है और उसके बाद ये फूल खिलता है। खिलने के बाद इसी के बीज हो इसी पर तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये मधुमक्खी है जो कि इस पर पराग इकट्ठा कर रही है। पत्तियाँ हल्की सी चौड़ी होती हैं और एक ही पेड़ से कई कल्ले निकलते हैं। इस तरीके से पूरी क्यारी जो होती भर जाती है और इसकी ऊंचाई लगभग 3 से 4 फीट तक चली जाती है। तो जहाँ भी आप क्यारी में लगाएंगे, देखिए ये भंवरा है, जहाँ भी आप क्यारी में लगाएंगे तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि ऊंचाई, वहाँ पे धूप आनी चाहिए, प्रॉपर धूप आनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो फूल हैं ये फरवरी मार्च में खिलते हैं और उस समय इनको अच्छी धूप मिलनी चाहिए ताकि फूल का विकास अच्छा हो, पौधे का विकास अच्छा हो और कल पौधों का फूलों का कलर भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये फूल आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 4th नंबर पे, जिस फूल के बारे में बात करें वो है हमारा गार्डन पेंजी। ये कहीं कहीं आपने देखा होगा, ये भी हमारा हैंगिंग पॉट में या फिर फ्लावर पॉट में या फिर हमको बेड में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके भी सीड लगाए जाते हैं, बीज लगाने के बाद इसकी 21-22 दिन बाद इसकी नर्सरी जब रेडी हो जाती है तब हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से उखाड़ के पौधे को दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम इसमें हैंगिंग पॉट में भी लगाएंगे और यहाँ पे हमने बेड में ट्रांसप्लांट कर रखा है। हैंगिंग पॉट में बड़ा खूबसूरत लगता है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है,
तो जहाँ भी आपको क्यारी नुमा जगह पर आप इस अपनी खूबसूरत बनाना चाहते हैं उस जगह को, तो वहाँ पर इस फूल का आप चयन कर सकते हैं। देखिए ये येलो कलर का और बैंगनी कलर का होता है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर पे एक ऐसे फूल के बारे में जिसको कि हम स्ट्रॉ फ्लावर कहते हैं। स्ट्रॉ फ्लावर इसलिए कि अगर आप इसको टच करेंगे तो लगेगा कि आपने इसमें सूखा चारा यानी कि लकड़ी पकड़ रखा हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ये जैसे आपने कागज, एक कड़ा कागज होता है बिल्कुल उसी तरीके का होता है, इसलिए इसको पेपर फ्लावर कहते हैं। दिखने में सूखा हुआ फूल लगता है पर बड़ा खूबसूरत होता है। आप देखेंगे कि इसका जो प्लांट है वो कई कल्ले निकल जाते हैं और एक ही गुच्छे में 8-8, 10-10 फूल खिलते हैं जो कि बेहद खूबसूरत लगते हैं। इस पर ये भी, इस पर से भी मधुमक्खियाँ और कई सारे मक्खियाँ इससे कीट, इससे पराग इकट्ठा करती हैं। इसकी जो हाइट होती है लगभग 3 फीट तक जाती है, तो इसलिए इसको भी कंप्लीट धूप की आवश्यकता होती है। खुले स्थान पर इसको लगाएं, जहाँ पे आपका पॉट में भी लगाना चाह सकते हैं तो गमले में लगा सकते हैं, लेकिन हैंगिंग पॉट के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी होती है। तो दोस्तों इस फूल को भी लगाकर आप अपने बगीचे की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे छठे नंबर पर जिसको हमने रखा है, वह फूल बेहद खूबसूरत है, यह है पेपर डेंजी। दोस्तों इसे आप देखिए, ये देखने में कितना ही खूबसूरत है। जब इस बगीचे में आप जाएंगे इस तरीके के फूलों के बीच में, तो आपको लगेगा आप किसी फूलों की घाटी में आ गए हों। अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉन उसके चारों तरफ या किसी ऐसी जगह पे जहाँ लॉन की लॉन बना हो, उस जगह पे आप इसको अगर लगा देंगे तो आपको ऐसा लगेगा फूलों की घाटी में आप विजिट कर रहे हो। इसके फूल जो होते हैं लाइट गुलाबी कलर के होते हैं और बीच में वाइट कलर होता है। इस तरीके का इसका लुक जो होता है बेहद खूबसूरत होता है। पत्तियाँ पतली पतली होती हैं, एक ही जो नीचे से जो आप एक प्लांट होता है उससे कई सारे कल्ले निकल जाते हैं जिससे कि इसकी संख्या बढ़ जाती है, और इस पर तितलियाँ मधुमक्खियाँ काफ़ी इसमें पराग एकत्रित करती हैं। ये फूल काफ़ी कीट पतंगों को भी पसंद आते हैं, और ऐसे कीट पतंगे जो हमारे शहद बनाते हैं या पॉलिनेशन का काम करते हैं। तो दोस्तों इन फूलों को लगाकर आप हमारे वातावरण को भी अच्छा बना सकते हैं और अपने घर को भी खूबसूरत बना सकते हैं। दिखने में ये बिल्कुल कागज़ जैसा फूल लगता है, छुएंगे तो लगेगा कि आपने हाथ में कागज़ पकड़ा हुआ है, और इसको आप कटिंग करके बोतल में पानी भरकर लगभग 1 सप्ताह तक आप अपने उस फ्लावर पॉट में इसको सजा सकते हैं, और सूखने के बाद भी अगर आप चाहें तो इसको ड्राई करके भी इस फ्लावर को रख सकते हैं। उसके बाद आप इसका एक आर्टिफिशियल एक गुलदस्ता बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके कई उपयोग हैं। मैंने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है, ये 1 फिट लंबाई का होता है, इसको आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट फ्लावर 7 नंबर पे मैंने रखा हुआ है नेस्ट्रिशियम को, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। फूल देखिए सुर्ख लाल रंग के होते हैं और ऑरेंज कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, और इसे फ्लावर पॉट में भी लगाया जा सकता है, हैंगिंग पॉट में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम होती है। ये लगभग आप कह सकते हैं 15-16 इंच ही इसकी ऊंचाई होती है, और जहाँ पर आपका बेड खाली हो, क्यारी बना रखे हैं आप में, वहाँ पर ज़मीन में इसको लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट में लगाकर आप इसको टांग सकते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत इसका लुक आता है। इसके सुर्ख कलर के जो फूल होते हैं इसके कई उपयोग भी थे, इसको खाने में भी यूज किया जाता है, इसका सूप बनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा मल्टीफेरियस प्लांट है, आप देखिए हमने इसको फ्लावर पॉट में लगा रखा है और एक तरीके से इसको हैंग करके रखा हुआ है बांस के ऊपर में सहारा देके, बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। पीले कलर के फूल हैं तो आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों 8वें नंबर पर हम बात करते हैं एक ऐसे फूल के बारे में जिसको कि हम फ्लॉक्स कहते हैं। इसको भी हम क्यारी में लगाते हैं, साथ ही साथ इसको हम पॉट में भी लगा सकते हैं गमले में, और इसको हैंगिंग करके टांगने से इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें कलर कई होते हैं, देखिए सफ़ेद रंग का है, डार्क गुलाबी कलर का भी होता है, डार्क रेड कलर का भी होता है, फिर गुलाबी और वाइट भी होता है। आप देखिए गुलाबी वाइट डार्क रेड, और साथ ही साथ देखिए डार्क गुलाबी कलर, और एक ऐसा भी है जिसमें कि वाइट कलर नहीं है, देखिए गुलाबी और बीच में वाइट कलर है, और आप ये देखें बैगनी कलर जिसके बीच में वाइट कलर, ये पूरी तरीके से पिंक है, एक पूरी तरीके से लाइट डार्क पिंक है, ये वाइट कलर है, कंप्लीट वाइट कलर है। तो इसमें कई तरीके के कलर होते हैं, तो आप मल्टी कलर फ्लॉक्स को अगर मिक्स करके सीड्स को आप बो देंगे, लगा देंगे क्यारी में, तो इस तरीके से आपका मिक्स फ्लावर आएंगे, बड़े खूबसूरत लगते हैं। अगली बात करेंगे 9 नंबर पे जिसको मैंने रखा है। दोस्तों ये बड़ा स्पेशल फ्लावर है, इसको रॉकेट इस पर बोलते हैं, डाउटफुल नाइट इस पर भी बोलते हैं, और इसका जो फूल होते हैं वो बैगनी कलर के होते हैं, बैगनी होते हैं, वाइट होते हैं, हल्के से नीले रंग के दिखाई देंगे, पत्ते पतले पतले जैसे कि आप देखते होंगे धनिया का या गाजर का पत्ता होता है, बिल्कुल उसी तरीके से पतले पतले पत्ते होते हैं।
इसको फ्लावर पॉट में लगाया जाता है। इसकी टहनी को लगभग हम लंबे लंबे स्टेम्स रहते हैं, देखते हैं आप देख सकते हैं लंबा स्टेम है, इसी को तोड़कर हम फ्लावर पॉट में रख सकते हैं, इसमें पानी भरकर, तो लगभग 7 से 10 दिन तक इसके फूल जो है वो रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फूल है दिखने में बहुत खूबसूरत होता है और ये बड़ा रेयर फ्लावर है, आपने इसको कॉमनली नहीं देखा होगा, लेकिन जब एक बार इसको लगा देंगे तो पूरी ही क्यारी आपकी बैंगनी कलर की नज़र आती है, जो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आप इस फूल को अवश्य लगाएं, क्योंकि जब मैंने इसको लगाया हुआ है, मैंने तो ज़मीन में लगाया हुआ है, इसका हाइट काफ़ी हो जाता है, लगभग 2.5 से 3 फीट तक हाइट भी हो जाती है, तो इसको आप गमले में लगा सकते हैं, लेकिन हैंगिंग पॉट में लगाने से थोड़ा दिक्कत होगा। इसको लगाएं और इसकी सुंदरता का आनंद लें। 10वें नंबर पर मैंने रखा हुआ गोल्डन डेजी को, जिसको कि हम भूली सनफ्लावर भी बोलते हैं, और इसकी तो खूबसूरती के क्या कहने। पीले रंग का देखिए गुच्छे गुच्छे, आप एक प्लांट लगाएंगे, एक प्लांट से उसमें लगभग 60 से 70 नई टहनियाँ निकल जाती हैं, और उसके बाद गुच्छे गुच्छे उसमें फूल आ जाते हैं। देखिए फूल के वजन के कारण ये पौधे जो हैं काफ़ी एक तरफ झुक गए हैं, गिर गए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे से बांध देंगे तो फूल जो है सीधे रहेंगे। और इन फूलों, ये फूल दिखने में बड़े खूबसूरत तो लगते हैं, इसको आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, फ्लावर पॉट में भी लगा सकते हैं। बीज के द्वारा ये पौधा तैयार किया जाता है, और इसको अगर आप क्यारी में लगाएंगे तो क्यारी पूरी ही पीली रंग की दिखाई देगी। दोस्तों जो भी मैंने फूल आपको दिखा रही हूँ, अगर ये सारे जो बेड में लगने वाले फूल हैं, इनको आप अगर मिक्स करके अपनी क्यारी में लगा दें, और लगभग अगर आधा एकड़ सवा एकड़ में इसको लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि पूरा ही लगेगा किसी जन्नत में आ गए हों, स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि ये बिल्कुल जो लुक होगा वो बिल्कुल ऐसा देगा कि जैसे फूलों की घाटी में आप घूम रहे हों। तो इसको तो मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी। अगला जो आपका फूल है 11 नंबर पे मैंने रखा है दोस्तों, एल्पाइन एस्टर। ये भी काफ़ी आप रेयर है, आपने शायद ना देखा हो, तो इसको आप देखें। ये दो कलर का मैंने लगाया हुआ, एक है लाइट पिंक कलर और एक है डार्क पिंक कलर। तो लाइट पिंक कलर डार्क मैंने दोनों ही मिक्स करके लगाई, देखिए डार्क पिंक कलर है, और काफ़ी दिन तक ये फूल रह जाता है, दिखने में सुंदर लगता है, और एक टहनी से लगभग 5 से 6 टहनियाँ निकल जाती हैं, यानी कि अगर आप एक बार इसका सीड लगाते, एक पौधा तैयार करते हैं, तो जो फूल होगा वो कम से कम एक पौधे में 6 से 7 फूल आते हैं। और इस तरीके से ये जो फरवरी मार्च में आप देखिए कि कितने ही टहनी, 5-6 टहनी के बाद हर टहनी में से 5-6 टहनी और निकल गई है, चारों तरफ क्यारी भर गई है, इसको लगाइए। दोस्तों 12वें नंबर पर जो हमने फूल को रखा है वो है हमारा स्नैप ड्रैगन। ये हमने ज़मीन में लगा रखा है, लेकिन दोस्तों आप इसको फ्लावर पॉट में भी लगा सकते हैं, साथ ही आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये सुर्ख लाल रंग का स्नैप ड्रैगन का प्लांट है, धीरे धीरे ही ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, और ये फूल जो है खिलते चले जाते हैं, तो दिखने में बिल्कुल जैसे ग्लैडुलस का फूल होता है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए ये खिलता रहता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसको मैं ज़रूर लगाइए। अगला जो फूल है 13वें नंबर पर जिसको मैंने रखा है वो है आपका पनसेंटिया। पनसेंटिया बहुत ही खूबसूरत फूल है, इसको हम जो फूल है इसके पत्तियाँ जो बिल्कुल लगता है कि पत्तियाँ हैं, ऊपर की पत्तियाँ रेड रेड कलर की हो जाती हैं, सुर्ख रेड कलर की हो जाती हैं, तो जो दिखने में दूर से ही काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और दोस्तों इसको जो हम लगाएंगे वो इसको कटिंग के द्वारा भी लगाया जा सकता है और इसको सीड के द्वारा भी लगाया जा सकता है, तो दोनों ही तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। मेनली जो इसको लगाया जाता है, जैसा मैंने बताया कि इसको फरवरी मार्च में ये तैयार होता है। 14वें नंबर पर दोस्तों जिस फूल की हम बात करेंगे वो है साल्विया। ये दिखने में आकर्षक होता है और बेड में इसको प्लांट किया जाता है, इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और इसको मेनली जो है इसको सॉइल में हम लगाएंगे, और तो उसमें पानी ज़रूर दे दीजिए लगाने के बाद, ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद। इस देखिए हमने किस तरीके से इसको क्यारी में लगाया हुआ है, सुर्ख लाल रंग के फूल होते हैं, देखिए जब हम इसकी शूटिंग कर रहे हैं तो भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना इसका रंग सुर्ख होता है। इसलिए ये जो पौधा है, एक पौधे से में कई 8 से 10 फूल खिल जाते हैं और गुच्छे नुमा होते हैं, देखने में बेहद आकर्षक होते हैं, तो फरवरी मार्च में इसकी छटा ही निराली होती है। अगला बात करते हैं 15वें नंबर पे जो मैंने रखा है वो है गार्लैंड क्राइजेंथिमम। दोस्तों ये भी बड़ा ही खूबसूरत फूल है, क्योंकि ये वाइट और कलर का, येल्लो कलर का, और साथ ही साथ लाइट येलो कलर का होता है। इसको सीड्स और कटिंग दोनों के द्वारा तैयार किया जाता है, आप इसकी हार्ड कटिंग्स निकाल कर लगा सकते हैं, रोप सकते हैं, तो नया पौधा तैयार हो जाएगा, और बीज के द्वारा भी तैयार होता है।
गुच्छे गुच्छे ये फूल आते हैं, तो आप कहीं पर साइड में जो आपकी क्यारियाँ हैं उनमें लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट में ये लगाने वाला पेड़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी ह्यूज और ये बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके जो फूल हैं वो वाइट कलर के बीच में येल्लो कलर है, बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। पत्तियाँ पत्ती पतली होती हैं और एक प्लांट से लगभग आप समझ सकते हैं कि 80-90 फूल एक ही पौधे पर खिलते हैं। तो जहाँ भी आपको क्यारी में ज़्यादा फूल चाहिए हो तो वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। और इसका जो फूल होता है पक जाता है, जब पकने के बाद इसका बीज तैयार हो जाता है, उसी बीज से आप अगले साल अगर सुरक्षित इसको रखेंगे तो अगले साल इसी बीज से आप पौधा तैयार कर सकते हैं। इसका भी नर्सरी जो है वो सितंबर अक्टूबर में ही लगता है। इसका बीज जो तैयार किया जाता है, बीज से जो पौधा तैयार किया जाता है, उसके बाद इसकी रोपाई कर दी जाती है और लगभग दो से तीन महीने में पौधा तैयार होकर फ्लावरिंग शुरू कर देता है। फरवरी मार्च में चारों तरफ पीले और सफ़ेद रंग के फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों अगला जो फूल है वो मैंने 16वें नंबर पर जिसको रखा है वो है आपका फ्रेंच मैरीगोल्ड। इसको तो आपने देखा होगा, गर्मी के साथ जब शुरुआत होती है तो ये फूल बेहद खूबसूरत लगता है, सुर्ख लाल रंग का, पीले रंग का, इसमें कई तरीके के कलर होते हैं। आप इसे लगा सकते हैं, साइज इसका छोटा होता है, हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं, फ्लावर पॉट में भी लगा सकते हैं, जमीन में भी लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है, इसे तो आप इससे पहले भी देख चुके होंगे। देखिए मधुमक्खी है जिससे पराग एकत्रित कर रही है, तो हमें ऐसे फूल अपने अगल बगल जरूर लगाना चाहिए जिससे हमारे साथ साथ हमारे नज़दीक जो भी कीट पतंगे हैं उनका भी भरण पोषण होता रहे। अब हम बात करेंगे 17वें नंबर पर हमारा जो फूल है वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला बिल्कुल पालक जैसा इसका पेड़ होता है, इसके भी बीज से तैयार ये होता है और बीज जो है इसके सितंबर और अक्टूबर में ही इसका बुनाई की जाती है, बाद में इसका रोपाई किया जाता है, बीज के माध्यम से इसको तैयार करते हैं। फूल देखिए डार्क और ऑरेंज कलर होता है, सुर्ख ऑरेंज कलर। ये देखिए इसके फूल जो है वो जब फूल ख़त्म हो जाते हैं तो इसी में भी इसका धीरे धीरे बीज भी तैयार हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसके बीज होते हैं। ये मैंने देखिए पूरा फ्लावर का टहनी तोड़ा और ये सूखा हुआ फूल इसमें झड़ चुका है, ये इसके सीड्स हैं। इसको कलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर हम इसी से इसको बुराई करेंगे तो हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत है, इसको आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगला 18वें नंबर पर जिसको मैंने रखा है वो है जरबेरा। जरबेरा ये तो बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं, जैसे देखिए ये सुर्ख लाल रंग का है। इसको कटिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, विशेषकर इसको थोड़ा कंट्रोल्ड कंडीशन में करने से काफ़ी अच्छा होता है। जैसे पॉली हाउस में अगर आप इसको लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और ये सर्दियों में ही लगाया जाता है। और इसकी जो फूल होते हैं वो फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक इसके फूल खिलते रहते हैं। अगर आप ओपन कंडीशन में लगाएंगे तो अप्रैल तक, और नहीं तो अगर आप कंट्रोल कंडीशन यानी कि पॉली हाउस में लगाएंगे तो मई तक इसके फूल आप ले सकते हैं। और इसको गुलदस्ते में यूज किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो फ्लावर बुके तैयार किया जाता है तो यही फूल जरबेरा के फूल लगाए जाते हैं, ग्लैडुलस के फूल लगाए जाते हैं। देखिए कई कलर में ये कई वेराइटी का ये जरबेरा है, ये ऑरेंज कलर है, वो रेड कलर है, ये देखिए थोड़ा सा लाइट रेड कलर है, ये वाइट कलर क्रीम कलर है, साथ ही साथ इसमें येलो कलर भी है, तो प्योर वाइट भी है, ये सुर्ख लाल कलर है। तो इस तरीके से जरबेरा को आप लगाकर अपने सुंदरता बगीचे की बढ़ा सकते हैं। 19वें नंबर पर जिस पौधे की हम बात करेंगे वो है कैंडीटेफ्ट। दोस्तों ये देखने इसे तो लगेगा कि ये जब फूल देखेंगे तो चारों तरफ सफ़ेद ही लगता है, बर्फ़ गिर गई हो इस तरीके से इसका लुक आता है। मैंने इसको क्यारी में लगाया हुआ है। इस फूल को देखने से लगेगा कि आप जैसे स्नोफॉल देख रहे हों, चारों तरफ ही सफ़ेद ही छा जाती है। गुच्छे गुच्छे फूल होते हैं, एक पेड़ में से हज़ारों टहनियाँ तैयार हो जाती हैं और उसी में ये फूल बनते हैं। फूल पकने के बाद जो इसका जो बीज होता है इसी में तैयार हो जाता है। देखिए ये बीज तैयार हो रहा है और इसी बीज से को कलेक्ट करेंगे तो अगले साल हम इससे नए पौधे बना सकते हैं। दोस्तों कैटेगरी 2 में जिस फूल की हम बात करेंगे वो है हमारा ट्यूबर से तैयार होने वाले फूल। जैसे सितंबर में ये भी लगाया जाता है, 20वां नंबर पर हमने इसको रखा हुआ स्प्रिंग लिली को। ये लिली जो है वो ट्यूबर से तैयार होती है और फरवरी में खिलना शुरू होती है, फरवरी मार्च दो तीन महीने ये खिलता रहता है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लाइट गुलाबी कलर है, हमने इसको पॉट में लगा रखा है। आप इसे क्यारी में भी लगा सकते हैं लेकिन हैंगिंग पॉट में नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा होती है। ये देखिए क्रीम कलर है जो कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो थोड़ा सा आप इसमें कम केयर है, आप इसमें बस एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड का स्प्रे करते रहिए, फूल आपके सुंदर लगेंगे। दोस्तों 21वें नंबर पर जो हमने फूल लिया है वो है डहलिया। इसे आपने देखा भी होगा लेकिन डहलिया भी ट्यूबर से तैयार होता है। देखिए गुलाबी कलर,
ये सुर्ख लाल रंग है, ये हल्का लाल रंग है, इसके साथ ये पीला कलर, ये रेड कलर है, ये गुलाबी कलर है, और ये देखिए ये वो तो सिंगल पेटल था और ये आपका डबल पेटल डहलिया है, बाई कलर में भी डहलिया होता है। इसमें देखिए बहुत सारे पेटल यानी कि बहुत सारे फूल के पत्ते हैं, इसको हम डबल पेटल डहलिया कहते हैं, मल्टी पेटल डहलिया बोलते हैं, येलो कलर का है। तो ये जो है काफ़ी बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ बड़े होते हैं जिसको हैंगिंग नहीं कर किया जा सकता, इसको आप पॉट में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं। तो इसको सहारा देने के लिए आप इसमें बैम्बू स्टिक लगा दीजिए ताकि फूल गिरे नहीं, और इसको भी ट्यूबर ही लगाया जाता है। देखिए ये हमने मिक्स डहलिया लगा रखा। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्दी मैं आपको बताने जाऊंगी कि कैसे इन फूलों से हम बीज तैयार करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।